अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, पेज नंबर 36। ओके बेटा, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी, टू हीट आवर हाउसेज, टू कुक फूड, पावर आवर फैक्ट्रीज, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रन मोटरसाइकिल। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विच वी कैन डू फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। बट बिकॉज ऑफ दी फॉसिल फ्यूल, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, बिकॉज ऑफ दोज बर्निंग हमारे पास कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। वी आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दोज फॉसिल फ्यूल्स, बट देर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स और सर्टेन डेंजरस थिंग्स विच विल बी हैपन बिकॉज ऑफ दोज फॉसिल बर्निंग ऑफ दोज फॉसिल फ्यूल्स। दैट इज कॉज एयर पोल्यूशन। इज द मेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द एयर पोल्यूशन। बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हेयर, दैट इज द एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। वट इज एसिड रेन? ऑल रेन वाटर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो मौजूद होता है, बट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेज आर इंक्रीज इन द एयर। दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। दैट विल इन कोलेबरेट, दैट विल बाइंड एंड ब्रेक अ बॉन्ड विद दैट ऑफ द वाटर एंड विल फॉल डाउन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। मतलब जो भी आपकी डेंजरस केमिकल्स हैं या डेंजरस गैसेज हैं जो आपकी एयर में कंटिन्यू ऐड होती जा रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें एयर में जब कंबाइंड होती है तो कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से भी सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड जो है वो रिस्पेक्टिवली जो फॉर्मेशन हो रही होती है। इन चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये वाटर के साथ जब कंबाइंड होकर नीचे फॉल डाउन होते हैं तो ये डेंजरस हो जाते हैं फॉर दैट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉर दैट क्योंकि ये ज़्यादा रिवर्स में भी जाके मिलते हैं और ये डेंजरस हो जाते हैं फॉर दैट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? For understanding global warming, firstly we should know what is greenhouse effect. Earth is surrounded by the air which act like a layer of isolation. Means isolation एक layer है पूरी earth के around जो कि इसको isolate करती है, means जो भी heat अंदर आती है उसको entrap कर लेती है। ठीक है, that layer is called as greenhouse effect. The greenhouse effect या greenhouse gas, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लेयर विच आइसोलेट विच कीप द हीट इनसाइड। ओके, यानी ज़मीन को गर्म रखने के लिए इसके इर्द गिर्द एक पूरी लेयर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हीट अंदर आती है उसको बाहर नहीं जाने देती है, अंदर इंट्रैप कर लेती है ताकि ज़मीन को जो है वो वार्म गर्म रख सके। ठीक है बेटा, दिस इज़ द ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस अफेक्ट। ठीक, आपको पता है जो हीट है वो कितनी ज़्यादा नीडेड है फॉर द ह्यूमन लाइफ, फॉर द एनिमल्स, और सबके लिए हीट जो है एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की ग्रोथ के लिए। ग्रीन हाउस अफेक्ट को या ग्रीन हाउस गैस को हम इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने अमूमन देखा होगा जो नर्सरीज होती हैं जहाँ पे पौधे होते हैं, जो प्लांट्स जो हैं वो सेल आउट हो रहे होते हैं, ये नर्सरीज बनाई जाती हैं। इट वॉज कवर्ड फ्रॉम द ग्रीन कलर ऑफ क्लोथ से वो कवर कर दिए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ इंट्रैप रहे और पौधों को जो वार्म रहने के लिए जो हीट चाहिए वो उनको ईजीली अवेलेबल हो। दिस इज द ग्रीन हाउस अफेक्ट। ठीक है, इट इज़ हाउ एवर वेरी यूजफुल इन मेकिंग अर्थ वार्म, ऑल्दो फॉर ह्यूमन लाइफ। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज इंक्रीजिंग, दिस इज टर्न इंक्रीज द ग्रीन हाउस अफेक्ट। मीन्स जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इंक्रीज होती जा रही है एयर में, उसी वजह से जो हीट इंट्रैप होती है वो बढ़ती चली जा रही है। जब वो बढ़ती चली जा रही है तो उसकी वजह से आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म रहने लगी है एंड कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज। मतलब आपकी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है एंड दिस इज कॉल्ड द
ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द लेयर विच इज अराउंड ग्रीन हाउस गैस, या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दैट इज द लेयर ऑफ अ गैस विच इज अराउंड द अर्थ टू वार्म द अर्थ। लेकिन ये पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अंदर एब्जॉर्ब करती है, ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, और दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। एक रिसर्च के मुताबिक द अर्थ सर्फेस हैव राइज बाय अराउंड 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। लास्ट 100 ईयर में 1 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो हाई हो चुका है, और अगर ये कंटिन्यूसली हाई होता गया तो इससे ड्रॉबैक क्या होगा? आइस कैप्स टू मेल्ट, सारे जितने भी आइस ग्लेशियर्स हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगे। सी लेवल भर है, जब आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल ऑटोमेटिकली हाई होना शुरू हो जाएगा। वेदर पैटर्न टू चेंज, मतलब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। फ्लड जो है वो ज़्यादा आएंगे, डेजर्ट ज़्यादा बनते चले जाएंगे, और खुशहाली का रेशो जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्रॉप्स विच ग्रो वेल इन सम एरियाज एंड ग्रो लेस वेल, ठीक है। क्रॉप्स जो ग्रो करती हैं, मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ज़्यादा इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी।